हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टिप्स एंड नॉलेज चैनल पर। यहाँ हम बात करें स्किन केयर की, और स्किन केयर में आज का टॉपिक है कुकम्बर फेस क्रीम। जी हाँ, खीरे की फेस क्रीम। दोस्तों, गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा हो चुकी हैं, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं, और खाने में भी अब हम सैलेड को ऐड करने लग पड़े हैं। और सैलेड में हम ज़्यादातर खीरा खाते हैं, गाजर खाते हैं, तर खाते हैं या टमाटर खाते हैं। जी, हम इसीलिए खाते हैं क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और पानी ज़्यादा पीने से हमारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, फ्रेश रहेगी, नहीं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है गर्मियों में। इसीलिए जैसे हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, उसी तरह हम अपने फेस को भी हाइड्रेट रखना चाहते हैं। इसके लिए मैं आज आपके लिए बनाने जा रही हूँ खीरे की फेस क्रीम, क्योंकि पिछली बार मैंने गाजर की फेस क्रीम बनाई थी, मतलब कैरेट की फेस क्रीम। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, वो प्लीज़ उस जाके वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, प्लीज़ उसे देखिए। तो चलिए, अब हम बनाएंगे खीरे की क्रीम। पर दोस्तों, फेस क्रीम बनाने के लिए हम इसमें खीरे के साथ कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे, पर उससे पहले आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर कुकम्बर द खीरे के हमारे फेस पर बेनिफिट क्या होते हैं। जिनको नहीं पता, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि खीरे के हमारे स्किन पर क्या क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों, खीरा विटामिन सी और विटामिन ई में रिच होता है, और हम विटामिन सी वाली चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा अपने फेस पर लगाते हैं, ताकि हमारे फेस की रंगत हमेशा खिली रहे। तो इसमें तो नेचुरली विटामिन सी और विटामिन ई ही मिल रहा है, तो ये तो मॉइस्चराइजर के लिए सबसे अच्छा है। और ये दोस्तों, जिनकी स्किन ऑयली होती है, गर्मियों में उनके जो पोर्स है वो क्लॉग हो जाते हैं, अगर वो खीरे का यूज़ करेंगे तो जी उनके लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें 96% तक पानी होता है, जिससे उनकी स्किन हमेशा क्लियर ही रहती है, डर्ट उनकी स्किन पर ज़्यादा टाइम तक रहती ही नहीं है। और दोस्तों, डर्ट नहीं रहेगी तो पिंपल्स भी नहीं होंगे। और जिनको नहीं पता कि गर्मियों में हमारे फेस पर पिंपल्स क्यों होते रहते हैं बार बार, उनके लिए भी मैं अपनी एक वीडियो बता रही हूँ, जिसका भी लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप जो ज़रूर देखिए कि पिंपल्स बार बार गर्मियों में ही क्यों होते रहते हैं हमारे फेस पर। और दोस्तों, खीरे की बात करें तो इसमें पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि गर्मियों में जो हमारी फेस की स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, सूखी सूखी बेजान लगती है, इस पानी की वजह से वो हमेशा हाइड्रेट और तरोताज़ा दिखती है, और इसी की वजह से हमारी स्किन पे जो एजिंग का प्रोसेस होता है वो भी स्लो होता है। और खीरा तो नेचुरली ठंडा होता है, और जब हम इसकी फेस क्रीम बना के अपने फेस पर लगाएंगे तो हमें ये नेचुरली ठंडा का साफ हर टाइम देता ही रहेगा। तो चलिए, ये तो हो गए जी खीरे के फ़ायदे। अब इसमें हम कुछ और चीज़ें भी ऐड करते हैं, ताकि इसका बेनिफिट हमारी स्किन पे डबल मिल सके, पर हम इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड भी नहीं करना चाहते, तो हम सिर्फ इसमें एक ही चीज़ ऐड करेंगे, जो कि है एलोवेरा जेल। जी हाँ, हम सिर्फ इसमें एलोवेरा जेल ही ऐड करेंगे। तो चलिए, बनाते हैं इन दो चीज़ों से क्रीम। तो सबसे पहले आप खीरे को अच्छे से धो लीजिएगा। अच्छे से धोने के बाद इसे साफ कीजिए, और अब इसका आप जूस निकाल लीजिए। या तो आप इसे मिक्सी में ग्राइंड करके जूस निकाल सकते हैं, या अपने हाथ से कद्दूकस करके इसको अच्छे से दबा के इसका पानी या जूस निकाल लीजिए। अब जूस निकल चुका है जी, तो 4 चम्मच आप कुकम्बर का जूस लीजिए, और इसमें 3 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कीजिए। दोस्तों, एलोवेरा जेल जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप घर की एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट होगी एलोवेरा जेल के लिए। दोस्तों, अगर आपको घर पर बनी एलोवेरा जेल नहीं पता कि वो कैसे बनाते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट भी होते हैं हमारे फेस पर, तो उसके लिए भी मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो का लिंक शेयर कर रही हूँ, उसको देखें कि घर पे हम बड़े ही नेचुरल तरीके से एलोवेरा जेल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं कर रहे हैं। तो उसे देखें और घर पे अपने लिए फ्रेश और केमिकल फ्री एलोवेरा जेल बनाइए। तो चलिए दोस्तों, अब आप इसमें इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए, जिसमें कि एलोवेरा जेल और खीरे का जूस है।
अच्छे से मिक्स करने के बाद आप जो देख रहे होगे कि ये एक जेल की फॉर्म में बन चुका है ग्रीन कलर की, क्योंकि इसमें खीरा डाला है और खीरे का कलर ग्रीन कलर का निकला है। तो जी बन चुकी हमारे से फिर से ग्रीन जेल फेस क्रीम, जिसे कि आप किसी कांच के कंटेनर में स्टोर करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये सबसे आसान बनने वाली फेस क्रीम है, जिसमें सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं, वो भी केमिकली फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री। तो इसे प्लीज़ ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये क्रीम कैसी लग रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैंने अपना नया ही यूट्यूब चैनल बनाया है, तो प्लीज़ दोस्तों मुझे अपने ढेर सारा प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो मिलती हूँ जी मैं अपने की दूसरी वीडियो में, दूसरी फेस क्रीम के लिए ही मिलूँगी, जो कि बहुत ही आसान बन जाए और जिसमें भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट यूज़ ना हो पाए। तो तब तक आप इस क्रीम को ट्राई कीजिए, मिलते हैं फिर से। बाय 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 बाय।